हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है संडे और आज है 14 अगस्त। आज भी मेरी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। तो अभी मैं जरा घर के पास में थोड़ी दूरी पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ मिलने जा रहा हूँ अपने एक पुराने फ्रेंड से बचपन के। वो अभी नया नया पापा बना है, तो मॉर्निंग में उसकी कॉल आई थी, बुला रहा था मिलने के लिए, तो मैं मॉर्निंग में तो नहीं जा पाया, बट मैं अभी जा रहा हूँ। हमारा एक फ्रेंड और है, वो और मैं, हम दोनों साथ में जा रहे हैं उससे मिलने, तो अभी मैं चलता हूँ। सो गाइस, मैं अभी मैं अपने फ्रेंड के पास आ गया हूँ, जो यहाँ पे ये मास्क पहन के खड़ा है। सूरज नाम है, ये मेरा फ्रेंड है, यही बनाया अभी अभी पापा, और ये दूसरा है, ये तो काफ़ी पहले ही बन गया था मेरी तरह। तो ये इसकी गाड़ी अभी वॉश हो रही है, अभी हम चलते हैं बस हॉस्पिटल और वहाँ जाके फिर मिलेंगे इनके बेबी से भी। और भैया गाड़ी वॉश कर रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी वॉश हो चुकी है, वो गाड़ी बैक करके बाहर निकाल रहा है, फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged it to my. Guys, अभी बस हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। जो भी सामान था आ गया। सूरज गाड़ी चला रहा है, सोनू पीछे बैठा है। तो अभी बस हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। और आज फर्स्ट टाइम पापा बन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। एक फीलिंग ही अलग आती है पापा बनने की। हाँ। और गाइस, दो टाइम कैसे बीत गया, कभी हम साथ में एक साथ स्कूल जाया करते थे और आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। रियली में सीरियसली to my own domain yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling like acha maine jaise subscribe kar rakha tha jo bhi dalega mere mein aa jati hai na usse ha notification mein ha subscribe ke sath mein wo bell icon hota hai na usse dabana padta hai हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never. अभी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और यहाँ देखो पीछे मेट्रो चल रही है, यहीं पे पास में मेट्रो स्टेशन है और जो गाड़ी से उतर गया, अभी बस अंदर चलते हैं हम लोग। गाइस, अभी हम हॉस्पिटल में अंदर आ गए हैं और बस देखो सामान लेके जा रहे हैं इनके वार्ड की तरफ। तीनों जगह जा रहे हैं और काफी देर से चल रहे हैं, थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, काफी लंबी गैलरी है यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे सूरज की दीदी के घर पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल पास में है हमारे, तो रात को जाना पड़ सकता है। और कल इंडिपेंडेंस डे है, तो कल सारे डॉक्टर लीव पे होंगे वहाँ पे, तो कल इनके वाइफ डिस्चार्ज नहीं हो सकती वहाँ से, तो मंडे को ही डिस्चार्ज होंगी। आज रात भर हम यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर खाना वाना बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और सारे देखो गवर्नमेंट के क्वार्टर हैं यहाँ पर। अंधेरा हो रहा है काफी। गाइस, यहाँ पे देखो मेरे पीछे सोनू खाने की तैयारी कर रहा है, रात के खाने की। अभी तो स्नैक्स वगैरह बनाना है, कुछ खीरे वगैरह काट रहा है। और गाइस देखो, गेट पे हमने कूलर लगा दिया, काफी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, और आज दिन में बारिश भी हो गई तो और ज्यादा मजा आ रहा है। इसमें डाल दिए पीनट। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, आज है इंडिपेंडेंस डे और रात को हम यहीं पे सूरज की दीदी के घर पे रुके थे, और बाकी बस हम निकलने की तैयारी हो रही है, बाहर चल के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और गाइस, आप लोगों को मैं इनका फ्लैट दिखा देता हूँ कैसा है। एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन रूम वूम और किचन वगैरह बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है एक फैमिली के लिए। गाइस, ये तो एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर आते ही एक रूम ये है, और फिर उसके बाद एक ये ड्राइंग रूम है यहाँ पे। और फिर उसी के साथ में यहाँ पे किचन है, सोनू इसमें कुछ बना, और यहाँ पे ये वॉशरूम है दोनों, और एक रूम ये है यहाँ पे। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है, क्योंकि कल बारिश हो गई थी, रात को भी बारिश हुई थी। और यहाँ मेरे पीछे एक पार्क है, उसमें इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यहाँ के कोई MLA है अभी, वो आने वाले हैं यहाँ पे, तो अभी हम देखते हैं। ये सारे गवर्नमेंट क्वार्टर हैं। अभी हम भी अंदर पार्क में जा रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होने वाला है, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे एक MLA आने वाले हैं यहाँ के, तो फिर स्टार्ट होगा, हम चलते हैं अंदर। सोनू ये जा रहा है, सूरज वहाँ जा चुका है। पार्क में आए, सिकोना पार्क में सभी बच्चे जिन्होंने भी अपना नाम लिखाया हुआ है, जो भी किसी दौड़ में या किसी भी चीज में भाग लेने वाले हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, सभी बच्चे जिनके नाम लिखे हुए हैं वो सभी पार्क में तुरंत पहुंचने का कष्ट करें।
गाइस यहाँ के एमएलए आ चुके हैं। जो फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, सर का स्वागत कर रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। सभी से अनुरोध है तालियां बजाते रहें। पार्क में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो चुका है। अब हम तीनों लोग जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल। पहले रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वहीं से निकलेंगे सीधा हॉस्पिटल के लिए सूरज की गाड़ी से। तो अभी चलते हैं वो हॉस्पिटल। हम जा रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे की वजह से गाइस रोड सारी खाली है। हम इतनी देर से चाय के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई चाय वाला मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। एक आध बीच में मिला था लेकिन उस पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि हो, तो पूरे सड़कें खाली पड़ी है। अभी देखो कहाँ मिलेगी। सूरज को पीनी है चाय, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। सारे में पूरे सिटी में घूम के आ गए, कहीं पे भी हमें चाय नहीं मिली और फाइनली हॉस्पिटल के अंदर आके ही चाय मिली। हमने पहले सोचा था कि हॉस्पिटल जाने के बाद चाय पी लेंगे, लेकिन कहीं मिली नहीं रोड पर और फाइनली यहीं आके मिली। तो अभी ले रहे हैं, सूरज तो अपने लिए चाय ले रहा है और बाकी सोनू और मैं अपने लिए एक जीरे वाली ड्रिंक ले रहे हैं और साथ में पैटी खाएंगे फिर चलेंगे अंदर। सो गाइस अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, कल शाम से हम घर से निकले हुए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी बस अब हम घर जा रहे हैं और आज मेरी लास्ट छुट्टी है, कल से ऑफिस जाना है तो ऑफिस की तैयारी भी करनी है। सोनू तो कल मॉर्निंग से निकला हुआ है सुबह से घर से, अब जा रहा है वो घर पे। तो अभी हम घर चलते हैं। अब बाहर निकलने से पहले भी देखना पड़ता है पुलिस वाले तो नहीं घूम रहे। मास्क लगाए नहीं लगाए, सैनिटाइजर करो घर बाहर से आते ही। आता था 2 बजे स्टैंड जंप स्कूल से और भाई ऊपर से चला जाता था मैं, और इतना काला होके आता था ना शाम को 5-6 बजे नीचे। हम खुद अब स्कूल से आके बैग पटका और सीधा पतंग लेके अपना वो लेके, और पता क्या करता था रात को कन्ने अन्ने मार के फिट करके रखता था। रात को दोपहर में स्कूल से आऊंगा, बैग पटकूंगा, खाने भी खाऊंगा और सीधा छत पे। दिन थे यार वो भी सीधे सीधे। पहले लोग सारे फेस्टिवल कितने सही धूमधाम से मनाते थे, अब तो लोग दिवाली तक सही से नहीं मना रहे हैं यार। दिवाली कितना फीका जाता है लोगों का। अब जैसे मैं दिवाली में ना वहाँ जाता हूँ फरीदाबाद दीदी के ना, तो मेरे भांजा लोग बोलते हैं बाबा चलो पटाखे फोड़ते हैं। मेरा मन ही नहीं करता, मैं कहता यार बेटा फोड़ ले यार। मैंने कहा मैं नहीं, मामा आ नहीं रहे पटाखे फोड़ने के लिए मेरे साथ। ले भाई दिन का जुगाड़ हो गया, काला सा हो गया, फेशियल करना पड़ेगा मुझे। शादी होने के बाद तो सब कुछ छूट गया, मुझे बचा ही नहीं। मैं एक टाइम था मैं जब दिल टूटता था ऐसे करे सुनता भाई, ये सब याद है। सुसाइड करने वाला था मैं। कौन भाई? हम मधुयार पार्क में गए भाई, ये आया मेरे पास दिन में लेके। मैंने कहा चल रहे हैं कि दिमाग बहुत खराब हो रहा है भाई। वो टाइम ही ऐसा कर रहा था यार, वो भी टाइम था यार। पक्का वह है जगह तो पीछे। गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं। कल शाम को गया था यहां से अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल, तो अभी मैं घर पे आया हूं और मैं इस व्लॉग को यहीं पे अब एंड करता हूं। आपसे मिलता हूं अगले व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। ये कौन बताएगा?